माइंड के साथ कैसे जी वेरी करेगा, माइंड सर माइंड के साथ कैसे वेरिएशन करेगा। इमेजिन कर लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है और दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड लेट अस इमेजिन दैट ये आपका अर्थ का रेडियस आर है। रेडियस ऑफ द अर्थ जो है ये 6.4 10 डेज पर 6 मीटर्स के बराबर आपने कल बात कर ली थी ऑलरेडी। मास ऑफ द अर्थ जो है कैपिटल एम है, इट इज आल्सो वेल नोन टू यू एंड इट इज 6 × 10⁴ kg, इट्स अगेन नोन टू यू। वी इमेजिन सम ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, लेट दिस ऑब्जेक्ट बी ऑफ मास स्मॉल एम व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। As we place this object on the surface of the earth, we already have calculated small g and that small g happens to be equal to gm upon capital R ka square and you generally call this as equation number one. And after this, what we do is that we pick this body up and take this body up to say a height h above the surface of the earth. So here g at a height h, it is equal to gm upon r plus h iska complete square. We may call this as equation number two beta. When the object is shifted from the surface of the earth up to this height, when the object is present at this point and not on the surface of the earth, here the value of g, acceleration due to gravity acting on this particle or the object or the mass m, in place of r, it will be r plus h ka complete square ho jayega. Right? Stand up. हाँ जी, ये मास है। हाँ जी, ये जी का फॉर्मूला है हमारे लिए सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितना है जी। उसके बाद आप इसको एट ए हाइट एच ले गए हो, वही समझा रहा हूं। इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है, इसकी जगह पर वो लिख दिया, बात खत्म। जी की वैल्यू हाई टेक्स पे आ गई। इक्वेशन नंबर टू को वन से डिवाइड कर देते हैं। आप कहां से आ रहे हो? यू आर ऑलरेडी इन। चलो चलो, टू को वन से डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, इधर ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जहां मैं ऊंची बोल रहा हूं, आपका अपना आवाज जो है उसको जीरो करिए आप। मैं भी बोल ही रहा हूं। टू को वन से डिवाइड कर देंगे, जी एट ए हाइट एच, राइट, लेफ्ट साइड पे
जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये इससे डिवाइड किया। आप लिख क्यों नहीं रहे हैं? आपकी कॉपी पेन कहाँ है? उधर। कोई भी बच्चा बिना कॉपी पेन के नहीं होना चाहिए, साथ साथ सारे स्टेप्स नोट करेंगे आप लोग। क्लियर? जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम आर का स्क्वायर जस्टिफाइड अप टू दिस पॉइंट? करते हैं, चिंता क्यों करते हो आप? जी एट ए हाइट एच डिवाइडेड बाई जी ऑन द सर्फेस, सबस्क्रिप्ट है एच, इंडिकेट करता है कि जी की वैल्यू एट ए हाइट एच है। ये यू नहीं है, एच है। क्योंकि सब्सक्रिप्ट है, वो पैर नहीं डलता है। हाँ, ये आ गया जी एम अपॉन आर प्लस एच का सारे का स्क्वायर। इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूं, इट विल बी आर का स्क्वायर अपॉन जी एम रेसिप्रोकली। इसको ठीक करके लिखा है। डन? लिख रहे हैं जी एट ए हाइट एच अपॉन जी ऑन द सरफेस आर का स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर, राइट? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? लेस देन वन। उसका स्केयर और भी छोटा हो जाएगा। जी एट ए हाइट एच डिवाइडेड बाई द जी लेस देन वन आ जाएगा। आएगा सुनिए फिर से, ये 6400 किलोमीटर है, ये 6400 प्लस मान लो हाफ ऑफ द रेडियस है, 3200 किलोमीटर और आ गया। ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो लेस देन वन आएगा। वही लिखा है मैंने बेटा, ठीक है? डिनोमिनेटर को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जी एट ए हाइट एच लेस देन जी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हो, जी की वैल्यू कम हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है। इस चीज को आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। आप ये देख रहे हो एक्सप्रेशन, क्लियर है ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक्सक्यूज मी सर, ये बन गया, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक है वो उसमें ग्रेविटी सेम होती है हर जगह? नहीं, बदलती रहती है। लैंडस्लिप एटमॉस्फेयर बदलती है। कल आपको बताया था, जब आप अर्थ की सरफेस पे मूव करते हो तो साइज ऑफ द अर्थ जैसे जैसे वेरी करता जाता है, वैसे वैसे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी वेरी करती चली जाएगी। दैट इज नॉट सेम एवरीवेयर, राइट? चले आगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो लिखिए मल्टीप्लाइंग बाय स्मॉल m ऑन बोथ साइड्स. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आ गया मास g एट ए हाइट h, मास g ऑन द सरफेस. ये चीज कहीं देखी देखी लग रही है? इसको वेट बोला था हमने कल. सो यू विल गेट वेट एट ए हाइट h, ये लेस देन आएगा, साइन वही रहेगा, लेस देन वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हां जी, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप अपनी बात ही कर लो. आप अर्थ की सरफेस पे हो, आपका मास m किलोग्राम के बराबर का है, आप रॉकेट में बैठकर अर्थ के रेडियस के बराबर की हाइट पर ऊपर चले गए, आपका मास तो नहीं बदलेगा. वहां पे उतनी हाइट पे आपका वेट इन कंपैरिजन टू योर वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कम हो जाएगा. ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. अरे ये इतना लंबा चौड़ा वही तो किया है, बिकॉज जी कम हो रहा है. अगर जी कम होगा तो वेट अपने आप कम होगा, बिकॉज वेट आपका मास इनटू जी ही तो है. अगर जी कम हुआ तो वेट कम हुआ. अलग अलग प्लैनेट से जी की वैल्यू अलग होगी, वेट अलग होगा. बिल्कुल ठीक. यस, हाँ लिखिए इस रिलेशनशिप के साथ लिख लीजिए बेटा. दिस फॉर्मूला इज वैलिड इफ हाइट h इज वेरी वेरी लार्ज. ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपका हाइट बहुत बड़ा होगा, अर्थ के रेडियस के ऑर्डर का होगा, अर्थ के रेडियस का हाफ हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा या डबल हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट. क्लियर टू ऑल? चले आगे. अब अगर हाइट कम हो जाए तो क्या करेंगे हम, आइए देखें. एफ्ता लिखिए, हेडिंग लिखिए, रुक लिख लो गुड़िया. आप कॉपी तो खोलते नहीं है, ऐसे बातें करने से थोड़ी कोई पैदा है. लिखिए इफ द हाइट h इज स्मॉल देन g कैसे वेरी करेगा. आइए देखें, इफ इफ h इज स्मॉल ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं. जी एट ए हाइट डिवाइडेड बाय द जी ऑन द सरफेस, इट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आर प्लस एच का सारे का स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आइए अब इसमें थोड़ी सी हम माइनस, तो किसी स्टेज पे भी नहीं आया. आप माइनस क्यों कह रहे हो? आप जब अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस आर प्लस समथिंग ही होगा, माइनस कैसे हो गया भाई? तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगी. आप नीचे थोड़ी जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं?
उसको डेप्थ कहेंगे कि हाइट कहेंगे? तो फिर सिट ओपन माइंडेड बेटा, उठ जाओ पहले, आप बताओ पता क्या नहीं चला? मैं ये कह रहा हूं आप अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर चले गए, 10 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपैरेटिवली लेस ही है, तो ये वही है। आप एक अर्थ की सरफेस पे पेट बना के नीचे थोड़ी जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हो, हाइट पे जा रहे हो। वो बाद में करते हैं, पहले एक तो कर लें। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा, इट इज आर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आर को अंदर ले जाइए, आर प्लस एच बन जाएगा वापिस। इस स्टेप से ये मिल जाएगा आपको दोबारा, इसका मतलब है इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप आर को अंदर लेके जाओ पहले, आर प्लस एच बन गया दोबारा, मिल गया। इसमें से आपने आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे वन, यहाँ पे एच ऊपर आर आ गया, वही लिखा है। अब आगे चलें। G at a height h divided by the g on the surface, ये आ गया r का स्क्वायर। ये दो टर्म्स एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट के बाहर है, ये मल्टीप्लाई हुई हुई है। इसका और इसका अलग अलग करके लिख दिया मैंने, स्केल जो पहले इकट्ठा लिखा हुआ था, राइट? लिखना साथ साथ लिखना भी है। ओ आपकी बात मान गए, काट दी हो, ठीक है। जी एट ए हाइट एच डिवाइडेड बाई जी, ये हाइट पे है, ये सरफेस पे है, कैसे कट हो जाएगा? उसकी वैल्यू अलग है, उसकी अलग है, नहीं कट होगा, ठीक है। और मोर ओवर आप हाइट पे जी की वैल्यू निकाल रहे हो। अरे बच्चों, बेटे थोड़ा सा ना समझने की कोशिश किया करो। आपके पास वन बाई एक्स स्क्वायर है, वन बाई एक्स के स्क्वायर को मैं एक्स की पावर माइनस टू लिख सकता हूं, पक्का? ऐसे लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब एक बात मेरी याद रखना, अपने माइंड में फिक्स कर लेना सारे स्टूडेंट्स, जब 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 ये फ्रैक्शन होता है और ऊपर वाली टर्म बड़ी छोटी होती है कंपेयर टू नीचे वाली टर्म, हाइट आपका 10 किलोमीटर है, रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के सामने कुछ भी नहीं, थोड़ा ही है, बहुत छोटा है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ये पावर अलोंग विद द साइन, अपने साइन के साथ यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। जी की वैल्यू एट ए हाइट एच, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस, वन को आपने कुछ भी नहीं कहा, प्लस साइन पड़ा है, एच को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस टू एच अपॉन आर आ गया, आ गया। इसको पॉजिटिव को जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे, हाँ जी नेगेटिव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। G एट ए हाइट h डिवाइडेड बाई द g ऑन द सरफेस,
वन माइनस टू एच अपॉन आर आ गया। डियर चिल्ड्रन, जी को मैं इधर लेके जा रहा हूं, जी एट ए हाइट एच, जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर आ गया। ये बच्चा क्या करी जा रहा है भाई, आप ना कुछ लिखते हैं ना कुछ, अपना ही बोली जा रहे हो आप, लिख रहे हो लिखते जाइए बेटा। ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखना, ये वन में से कुछ माइनस हुआ पड़ा है, इसका मतलब है ये सारी ब्रैकेट क्वांटिटी वन से छोटी है, ये वन में से कुछ, हाँ जी हाँ जी जाइए, ये वन में से कुछ माइनस हुआ पड़ा है। अगर वन में से आप कुछ चीज माइनस कर दोगे तो रिजल्ट वन से छोटा आएगा, वो जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा। तो ये चीज आपकी वन से छोटी है, ये जी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जी, ये पूरा फैक्टर आपका जो है जो अब है उससे कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सो जी एट ए हाइट एच विल बिकम लेस देन जी, इसका मतलब है जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो जी की वैल्यू कम होती जा रही है। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपकी हाइट कम है आपने ये फार्मूला यूज करना है, और अगर हाइट ज्यादा है तो जो पहले किया था वो करना। स्टैंड अप, मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है, राइट। इसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, आप अभी नहीं पढ़ पाएंगे, प्रॉपर्टी है ये, आप ऐसे कह लीजिए। इसके बाद हमारे पास जी एट ए हाइट एच आपने निकाला, जी ऑन द सरफेस वन माइनस टू एच बाई आर निकाला, दोनों तरफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दें, मास जी एट ए हाइट एच, मास द्वारा भी हो, एम इंटू जी क्या होता है, वेट एट ए हाइट एच, ये क्या है ऑन द सरफेस, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं इसको, क्लियर टू ऑल, क्लियर है सबको, चले आगे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स क्विकली। हाँ जी ना ना, स्केयर पूरी टर्म का था, वन का भी था, एच का भी था, आर का भी था, प्लस का भी था। अगर एक मिनट सुनिएगा, अगर आपकी ऊपर वाली टर्म छोटी है तो ये यहाँ की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कह रहा हूं, ठीक है। बहुत कुछ है, रिलेशन तो है लेकिन एंड में ये रिजल्ट बन जाता है। एक चीज़ सर, नहीं 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 नहीं, ये बाइनोमियल आप इसकी डेरिवेशन की बात कर रहे हो, ये आएगी पेपर में, आती है बहुत बार आती है, तीन नंबर में आता है, ये पूरा आता है, बराबर आता है, बार बार आता है। चले आगे, एक्सक्यूज सर, बोलो सर, जो आपने सेकंड स्टेप किया था जिसमें आपने आर वन प्लस था, आर आपने कैसे किया, नहीं सेकंड स्टेप था वो जिसमें आपने आर प्लस एच स्क्वायर को आर वन प्लस एच बाय आर स्क्वायर लिख दिया था, ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, नहीं सर वो इससे पिछले वाला बेटा, यस क्वेश्चन तो सुनने दो, वो क्या पूछ रहा है बोलिए सर, जो बाइनोमियल वाला स्टेप था ना उसे दो स्टेप्स पहले वाला था वो,
ये वाला सर इससे पिछला ये वाला सर वो आपने रेस कर दिया एक्चुअली। वो तो हमने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप उठा के लिख दिया था ना। ओके सर चले आगे। अब बेटे कल से आपकी बाहर जाना बंद, नहीं पूछेंगे आप मेरे से बाहर जाने के लिए। इस पीरियड से पहले जहां जाना जाया ना पहले ही। हाँ जी, तो आप वेट करते रहते हैं कि सर आएंगे हम चले जाएंगे। वेरी बैड, बहुत बुरी बात है ये। आगे लिखिए, गलत बात है। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ लिखो बेटा आगे। नया जी डेप्थ नहीं बेटा, इतना सस्ता नहीं है। हाँ जी, अब बेटे अब बोर्ड साफ करूंगा तो चौक तो थोड़ा बहुत उड़ेगा ही। तो बेटे वो तो देखो चौक है, वो तो उड़ेगा ही, थोड़ा बहुत तो उड़ेगा। अब इसका क्या करें आप बताइए, धीरे कैसे ये बच्चा बहुत बातें करता है भाई, ये बहुत बातें करता है ये। वेरी बैड, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। डेप्थ के साथ जी कैसे वेरी करता है, आइए देखें। मान लो ये आपका अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है। यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल एम मास का प्लेस कर रखा है। जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर आप कर चुके हैं। डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, स्टैंड अप डेंसिटी। एक मिनट रुक जाए जरा बच्चे, डेंसिटी का फार्मूला क्या है, बैठ जाओ, स्टैंड अप। गलत है, मास इनटू वॉल्यूम ही होता। बैठ जाइए, मास ओवर वॉल्यूम। अर्थ की डेंसिटी को इस लेटर से लिखते हैं, इसको बोलते हैं रो। मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम रो। पी को थोड़ा गोल सा कर दिया है। डेंसिटी ऑफ अर्थ, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ किसके बराबर है अगर अगर अर्थ को स्फीयर ले लें, कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो मास कितना बन गया, 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो आ गया। यहां पुट कर दो, जी आ गया। क्या कर रहे हो भाई, क्या मास, इधर ही है मास। इट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये हाँ जी रो। अब आपने क्या दिया, अर्थ की सरफेस पे एक होल ड्रिल किया, यहां तक होल ड्रिल किया और आपका ऑब्जेक्ट इस होल में गिर गया और ये डी डेप्थ है और बाकी का डिस्टेंस सेंटर से कितना बच गया, आर माइनस डी आर, नहीं टोटल आर था, डी नीचे आ गए, बाकी कितना बचा। सो जी की वैल्यू एट ए डेप्थ डी 4/3 पाई, ये बेटे नीचे आर स्केयर रह गया आपका एक। इसको थोड़ा मैं एक स्टेप और लिखना पड़ेगा मुझे, ये एक आर बचेगा, ये आ गया 4/3 पाई आर। ये कैपिटल जी भी देखो रह गया इनटू रो।
इसको इक्वेशन नंबर वन बोलिए ना कि इसको, ठीक है जी। हमने एम की वैल्यू पुट की थी ना, तो ये रह गया था लिखने वाला, ये भी रह गया था, ये मैंने लिख दिए हैं, और एक आर के क्यूब में से आर का स्क्वायर माइनस कर दिया, एक ही आर बचा ना बेटा, ठीक है। क्या नहीं समझ आया, मास तक समझ आ गया, इसमें मास पुट कर दो, ये आ गया जी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, मास है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। यस, एक ही आर बचेगा, पाई जी आर रो आ गया, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया। क्या रो बेटे, एवरेज डेंसिटी अर्थ की, एवरेज डेंसिटी कितनी है वो वैल्यू है इसकी, ठीक है जी। जी की वैल्यू एट ए डेप्थ डी, यहां पे कितनी होगी, अब जहां पे आर था आर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, इट इज 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। टू को वन से डिवाइड कर दीजिए, जी एट ए डेप्थ डी, जी ऑन द सर्फेस 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो, 4/3 पाई जी आर रो, ये सब कट गया, आर माइनस डी और आर के बिना सब खत्म हो गया ये, और आपके पास जो बचा, लेट मी रीराइट, जी एट ए डेप्थ डी, जी ऑन द सर्फेस, आर माइनस डी अपॉन आर बच गया, यहां से आर कॉमन ले रहा हूं मैं, जी एट ए डेप्थ डी अपॉन जी, आर कॉमन ले लिया, वन माइनस डी बाई आर बाई आर, आर कट गया, एंड जी एट ए डेप्थ डी अपॉन जी, वन माइनस डी अपॉन आर आ गया, इसको उधर ले गए, जी एट ए डेप्थ डी इज जी, मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा, मास जी एट ए डेप्थ डी, ये आ गया, वेट एट ए डेप्थ डी, वेट ऑन द सर्फेस वन माइनस डी बाई आर, हैप्पी दशहरा टू ऑल, पढ़ के आइएगा।